देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। गोल्ड मेडल विजेताओं का मथुरा रेलवे स्टेशन पर किया गया जोरदार स्वागत। बुधवार की सुबह 4 बजे भोपाल से इंडियन रूलर ओलंपिक द्वारा गोल्ड मेडल लिस्टरों का ग्रामीणों द्वारा मथुरा रेलवे स्टेशन पर दुपट्टा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 1 जनवरी को हुए ओपन नेशनल गेम में इंडियन रूलर ओलंपिक द्वारा रामनगर निवासी सोनू ने 400 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल किया। वहीं दौलतपुर निवासी अरविंद चौधरी ने 100 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल प्राप्त कर जिले का नाम भी रोशन किया। इसे लेकर सोनू के परिवारजनों ने सभी खिलाड़ियों का मथुरा पहुंचकर स्वागत किया। सोनू कहाँ के रहने वाले हो? रामनगर। आप जो आप गोल्ड मेडल जीत के आए, किस खेल को लेकर गोल्ड मेडल जीता गया है? मैं रनिंग में जीत के आया हूँ 400 मीटर में। तो अब आप लोगों का यहाँ पर स्वागत सम्मान किया गया है, कैसा महसूस कर रहे हो आप? बढ़िया महसूस कर रहा हूँ, मेहनत की थी इसलिए गोल्ड मेडल जीता। आगे के लिए फिर क्या करने की तैयारी? आगे के लिए खेलना चाहूँगा। और लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? यही संदेश देना चाहूँगा कि मेहनत करें, अच्छी और खेलें। तो क्या नाम आपका? जी मेरा नाम। आज जो आपको स्वागत सम्मान जो किया गया है, किस खुशी को लेकर ये स्वागत सम्मान किया गया? अभी हमारे बच्चे ओपन नेशनल हुआ था भोपाल के भेल BHL स्टेडियम में, जिसमें कि आपके तृतीय रूरल ओलंपिक गेम्स हुए थे, जिसमें कम से कम आपके 14 से 16 स्टेट ने पार्टिसिपेट किया। तो हमारी यूपी से भी कुछ खिलाड़ी यहाँ से गए थे, तो जिन्होंने एथलेटिक्स में थे और कुछ अंडर 19 कबड्डी के खिलाड़ी थे, जिनमें से हमारी कबड्डी की टीम द्वितीय स्थान पर रही है। और हमारे जो एथलीट हैं, कोई 100 मीटर में था, कोई 400 में था, कोई 800 में था, तो सभी ने पदक प्राप्त किए और अपने प्रदेश का नाम रोशन किया। वहीं सोनू के पिता जगन सिंह, आसाराम चौधरी, प्रीतम सिंह चौधरी, गोविंद सिंह आदि ग्रामीणों व परिवारजनों ने खुशी की जाहिर की। वहीं गोल्ड मेडल जीत कर आए खिलाड़ियों का कोच सहित रामनगर निवासियों ने बुधवार की सुबह रेलवे स्टेशन पर जोरदार स्वागत व मिठाई भी वितरण की। मथुरा से संवाददाता खन्ना सैनी की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।